दोस्तों, करवा चौथ पर रहेगा भद्रा का साया। ये कोई मामूली भद्रा का साया नहीं है। करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद, भद्रा काल में चांद निकलेगा या नहीं, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जानिए ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। यह ना सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2024 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय है। इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक है। भद्रा काल में केवल खरीदारी नहीं करते, बाहर नहीं जाते, करवा चौथ की खरीदारी नहीं करना चाहिए, शॉपिंग आदि नहीं करना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही यह कार्य करने चाहिए। करवा चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन आदि जितने भी वस्त्र हैं, मेकअप आदि है, भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदने चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाए, वस्त्र खरीदे जाए, मेकअप आदि खरीदे जाए, तो वह खंडित माना जाता है। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जीवन पर ग्रहण लग जाता है, पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है। वैसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही समय का भद्रा है, वह भी सुबह के समय रहेगा, बाकी का समय अनुकूल है। दोस्तों, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और पूजा करने का मुहूर्त है। शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है शाम 7:54, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है, इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान ले कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों का बिछुआ, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हां,
आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन आप अपना कभी ना दे, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफा चट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगी हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों और देवताओं व माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि ये रंग गलत नहीं होते। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, होता है घोर अनर्थ लगता है, स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर वन, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है, इसीलिए मां को एक लायक तो बनता है। दोस्तों, नंबर टू, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें, कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर थ्री, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शार्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती है तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, पति भी होता है आकर्षित, मिलता है लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर फोर, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो यह भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी विपदाएं। दोस्तों, नंबर फाइव, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है सात जन्मों तक का साथ। यह दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, मां बचाती है संकटों से। दोस्तों, खास करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे जरूरी माना जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जल्दी से इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है, यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर वन, कपड़े। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को ही पहनती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना शुभ माना गया है। दोस्त नंबर टू, बयां बयां को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि यह वह तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे और उन्हें दे दे। दोस्त नंबर थ्री, चूड़ियां। चूड़ियां लेना कतई ना भूले, सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर ले। इसके लिए चाहे तो आप
मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हेवी कड़े भी ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 4 आभूषण, करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थी, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइनें नहीं लगाना चाहती तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर ओन ऑप्शन माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 6, करवा और छलनी। करवा मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवा से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है। करवा से ही पति पत्नी को पानी पिलाया जाता है। अगर ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7, खास करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुख में बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। दोस्तों, नंबर 8, खास पर तीलिया या सींको का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तीलिया अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि खास पर क्या न खरीदे और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने। ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में झगड़े आदि हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदे, आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचें। दोस्तों, नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सींके या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई डंडियां बिल्कुल भी ना हो। अगर ये तीलियां टूटी हुई है तो आप इन्हें इस्तेमाल न करें और दूसरी बाजार से खरीद लें। दोस्तों, नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को ना ही गलत रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी ये चीजें देना चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा, आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बात आप लिख ले। स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात, अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है। मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन कहीं और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगल सूत्र, सिंदूर, यहां तक कि पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। दोस्तों, ये बात आप लिख ले। खास तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम है तो आप इस व्रत को रख सकती है। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। साथ ही साथ कुवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है। और वहीं अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे ले ले, तभी ही इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, मां पार्वती बड़ी प्यारी है, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। सुहागिन स्त्री का वरदान पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए एक लायक तो बनता है।